हमारे मास्टर साहब एक भोजपुरी गीत का बतावत हूँ, गीत के बतावत हूँ, गीत के माध्यम से कि कौन लड़का कौन लड़की के देखलस ओकरे रूप को वर्णन करत है कैसे। कोठवा के लालिया कनवा के बालिया यखिया कै हो का जारवा जान मार लाला की ओ रहा दिया ये गोरिया के सलाज काला रे बाबूजी, हम भोजपुरी गायक कलाकार दीपक जोशीला एंड पार्टी की ओर से बड़का भैया प्रदीप जी के देख रेख में एक पहल का कैसेट आप लोगों के बीच में गए रहल, बड़ा प्यार दुलार मिलल। ये दूसरा कैसेट बड़का भैया प्रदीप जी के देख रेख में आदरी हमारे गुरु रमा शंकर सिंह तूफानी जी के देख रेख में एक असर छोड़ थैला। उम्मीद है कि ये बचवा के भी आप लोगों को प्यार दुलार मिले। आओ मास्टर बिरहा के शुरुआत में कवि जी चार लाइन भूमिका में भाव दिला हयर स्वार्थ की आड़ में स्वार्थ के आड़ में स्वार्थ ही हो गया स्वार्थ में स्वार्थ जिसका न पूरा खूनों से सींचा कभी स्वार्थ को स्वार्थ हासिल हुआ पर अधूरा हुआ भाई भाई की जग में महत्ता बड़ी हर बड़ के भाई सा कोई कहाया नहीं भाई भाई का दुश्मन बना स्वार्थ में याद जिसका जमाना भुलाया नहीं भाई भाई का दुश्मन बना स्वार्थ में याद जिसका जमाना भुलाया नहीं। अरे बाबू शुरुआत में एक लाइन गजल है, कौन गजल है मास्टर? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा
है बाबू, कभी जी बिरहा में भाव लिखना है। प्रेम पावनी है जग में, प्रेम पावनी है जग में बताते सभी, प्रेम पावनी है जग में बताते सभी। प्रेम को प्रेम से कोई निभाया नहीं, प्रेम को प्रेम से कोई निभाया नहीं, प्रेम को प्रेम से कोई निभाया नहीं। प्रेम पावनी है जग में बताते सभी, प्रेम पावनी है जग में बताते सभी। प्रेम को प्रेम से कोई निभाया नहीं, बाबूजी बताओल गेल। खास अपना पराया हुआ लोभ में, खास अपना पराया हुआ लोभ में, प्रेम का कोई दीपक जलाया नहीं, प्रेम का कोई दीपक जलाया नहीं। भैया हो बतावल गेल कि प्रेम बड़ा पवित्र रिश्ता है, बड़ा पावन रिश्ता है, लेकिन लोग प्यार के प्यार से निभावत ना हो। प्रेम सिर्फ स्वार्थ के लिए है, अगर स्वार्थ पूरा हो जाता तो प्यार पूरा हो जाता है। भैया हो इधर देखा, कहानी के शुरुआत हम रही जने से हो गए मास्टर। मिटी अभिलाष गीता रामायण के थाती की, छलक के आसु भरत राम के परिपाटी की। प्रांत यूपी में जिला मेरठ की कहानी है, पले जका प उठाए कथा जुबानी है। माधव महेश पले दो भाई गिरानी में, सुधा दुलहिनिया बन के आ गई पलानी में। माधव जब भर्ती हुआ फौज वाली टोली में, माधव जब भर्ती हुआ फौज वाली टोली में, पत्नी सुधा को छोड़ा भाई के हम झोली में। सुशीला सुभर नार मिली, हर महेश की शादी में सुशीला सुभर नार मिली। समय ने पासा पलटा घर में एक तलवार मिली। भैया हो कहानी के समझला, उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में दुगो भाई हुवन, बड़का भैया के नाम बतावल गल माधो और छोटका भैया के नाम बतावल गल महेश। बड़का भैया के पत्नी के नाम बतावल गल सुधा और छोटका भैया के दुल्हन के नाम बतावल गल बाबूजी सुशीला। दूनो परिवार बड़ा खुशी से हुआ ये पंचो, लेकिन देखा धीरे धीरे चार छह महीना शादी भैला का बीतल है, तब तलक अचानक मालिक के मर्जी माधव जोरला फौज में भर्ती हो गई। आ वही बीच इधर एक खुशी घरवा और है, वो कौन खुशी है, सुधा के गर्भ में बच्चा पलत है। सुधा बड़ा खुश सही हो बाबूजी, सैया जी फौज में भर्ती हो गई ना, आ हमरे गोदिया में यानी कि हमरे गर्भ में बच्चा पलत है। आ है बाबूजी वही हालात में माधव छोड़ के चल गए ना ड्यूटी करे। आ इधर धीरे धीरे जब 9 महीना पूरा भल मास्टर, बड़ा सुघर लड़का के जन्म भल,
धीरे धीरे कुछ दिन बीते लगल बाबूजी सुधा वही अपने लड़का का पालन पोषण करे लगली हो। और जब पालन पोषण करे लगली है धीरे धीरे दो चार छः महीना सात महीना आठ महीना के दिन बीतल हो, सुशीला देखली कहली कि तब बड़ा तामझाम से चलत है आए है बाबूजी। ओके देख के ओकर खुशी देख के बाबूजी सुशीला एक दिन अपने सैया से एक बात कहे लगल। यहाँ एक लाइन गीत बदल गल है मास्टर। क्या बात है क्या बात है, ए फेकू भैया गर्मी के महीना में कोनो औरत बड़ा परेशान है, पसीना से एकदम तर बतर हो जात है, कपड़वा चिटिक जात है, चिप चिप करत है। ए भैया हो गर्मी के महीना में बड़ा परेशान है, अपन तकलीफ बतावत है। का बतावत है? रतिया होला गर्मिया ना डोले पवाना वाना, 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 रतिया होला गर्मिया ना डोले पवाना वाना। आए है बाबूजी लेकिन एक दिन सांझ के बेरा खा पी के महेश गैलन सेज पर जब सोए के बेरा भल है ये पंचो ता भैल का अरे सजना से जब रो वही दुलही जिया पे बैठ के रोवत अखिया से झरझर जैसे आंसू चला तो वही बीच महेश पहुंचला कल। अरे सुशीला अरे पगली तू क्यों रो रही है रे? आए है बाबूजी जब इतना बतिया वो सुशीला सुनलस तो कहलस का भैया तो हरव कर कमाई, भैया तो हरव कर कमाई, घर में आई ठेली भौजाई, घर में आई ठेली भौजाई, घर में आई ठेली भौजाई, हमारो फूटल करमवा भैलिया भगी, सुशीला के अखिया से आंसू गिरत है। सुशीला यह बात बताओ था कल सैया जी हो देखा तोहार भैया नौकरी पा गई ना, आ नौकरी करत हुआ कमात हुआ पैसा घरे भेजत हुआ तोहार भौजाई कितना ठाड़ से है, इतना उतान होके चलत है कि ओकर साने ना मिलत है सैया। आए है बाबू जब इतना बतिया महेश सुनला तो कहला कि अरे तू कहल का चाहत है बताओ था का बेटा वाला लख के चल उतान, बेटा वाला लख के चल उतान, बेटा वाला लख के चल उतान, भगवान ओकरे गोदिया में एक छे लइका दे देला, आ लइका दे देला तो ओके इतना खुशी होत है, इतना खुशी होत है कि फूले ना समात है सैया हो। रोज नया नया साड़ी पहन के झमकावत है, नया नया चूड़ी पहिरत है। आए है बाबूजी देखा ये परिवार में एक परिवार का सोच कहा और एक परिवार का सोच कहा बाबूजी कहलस बेटा वाला ठीक है चल उतान, बेटा वाला ठीक है चल उतान, बेटा वाला ठीक है चल उतान, मारा दुनौ न कहो परान, मारा दुनौ न कहो परान, मारा दुनौ न कहो परान, मनवा हरस तो यहां काटी घर में चानिया आना, बाबूजी जब इतना बतिया सुशीला का महेश सुनला हो तो महेश सोचे लगला कि हमारा रतिया सही कहत है।
हमार औरतिया सही कहा था कि ये सैया जी ये दोनों मतारी के आ बेटवा के अगर हम लोग मार देवल जात अब हम लोग मार देवल जात तो हर भैया कमैतन तो जब कोई ना रही था कि इतना पैसा कमा के का करिए कुछ तो हम लोगन के दही है और जब हम लोगन के दही है तो हम लोगन का जीवन बड़ा सुखी से कटी है सैया। इतना बतिया महेश सुनला हो उनके दिमाग में बतिया घूम गई सोचे लगला आखिरकार एक दिन महेश कैला है का एक लाइन है गीत बदल गल मास्टर बाबू कभी जी बिरहा में देखें कितना सुंदर भाव लिखत हुए हर चल चल घूम के पारिया न हो भौजी हो जतैया बाबूजी महेश एक दिन अपने भौजाई के पास पहुंचल भौजी से कहल कि भौजी रे चलती तब बाजार घूम ले आई हमार परिवार भी संगे चलत है। जब इतना बतिया उस सुधा सुनली हो सुधा सोचे लगली कि आखिरकार हमार देवर बुआ ठीके कथुअन चली हम भी बाजार कैले आई कुछ खरीद ले आई आ इधर बाबू जी देख तैयार होकर के चल देना लिखल गल बाबूजी महेश अपने भौजाई के लिया के आगे आगे अब पीछे पीछे उनकर औरत सुशीला आ उनके पीछे लड़का ले ले सुधा चल जाते हैं बाबूजी लड़का के लेके चल जाते हैं आ तब तलक जब कुछ दूर पहुँचली है बाबूजी तो एक ठे जंगल मिल रहो आ वो जंगलवा में जब पहुँचली है सुधा आ देवर महेश आ साथ में महेश के दुल्हन आखिरकार ओ कमीना देवर किया क्या बाबूजी लिखल गया हाय अरे पूजे नहीं आ बालक के ममता कसैया हजे बाबा से छुरावानी काला नीला बाबूजी जब महेश कुछ दूर गया जब जंगल में पहुंचा बाबूजी जबरदस्ती सुशीला उस सुधा के गोद से लड़का के छीने लगली है बाबूजी लड़का के छीन के फेंक देनी आ सुधा के महेश जबरदस्ती पकड़ के जेबा से बाबूजी चाकू निकलना आ सटा देना आय हाय बाबू जब इतना बतिया
सुधा देखत हो इतना बतिया देखत हथवा जोड़ के महेश का चरनिया पकड़ के आ एक ठे बात अपने देवर से कहत का कहत मास्टर एक लाइन पारंपरिक गीत लगल मास्टर आ है बाबूजी लेकिन ओ सुधा महेश का चरनिया पकड़ ले अखिया से जर्जर जर्जर आंसू गिरत आ रो रो के कहत का कहलस रोवे भाऊ जाई आ सुधार बीच बनावा में रोवे भाऊ जाई आ सुधार बीच बनावा में मारा जाने हमारो परान बीच बनावा परान बीच बनावा में रोवे भाऊ आखिरकार बाबूजी वो लाचार अबला देवर का अपने चरनिया पकड़ के रोवत रो रो के कालस की आखिर देवर बबुआ कम से कम हमके मारल चाहत हुआ लेकिन हमार कसूर तो बता दे कि हम तुहार का कैली तू हमके मारल चाहत हुआ आ है बाबूजी इतना बतिया वो दुराचारी पापी नीस सुन नहीं रहा है आ बतिया के ना सुनत है बाबू जी आखिरकार मारना चाहता है रो रो करके वो सुधा एक बात कही क्या कही मास्टर देई के खबरिया हमारे सैया के बोलाई दा देवरू देई के खबरिया हमारे सैया के बोला दा देवरू भैया के साथी वन के हाथ में थमाई दा देवरू बतिया कालस की देवर बबुआ आप अब क्या मारल चाहते हो तो मार दा लेकिन हमरे मरला के बाद हमरे सैया के कम से कम चिट्ठी दे के बोला के आई उनकर थाती मुन्ना के उनके दे दिया देवर बबुआ मुन्ना के उनके दे दिया आ है बाबूजी इतना हो कर रही है लेकिन वो किया क्या छुरावा चलाई के बेदी दिया सरिया बाबू केहू नहीं बुझे वही अबला के दर दिया बाबू केहू नहीं बुझे केहू नहीं रातिया में सुने लागो हरिया बाबू Bye.
आखिरकार बाबूजी उस सुधा लाचार अबला को बहुत गिड़गिड़ाने पर भी वो महेश देवर अपनी भाभी को बात को नहीं सुना, तुरंत चाकू निकाला और ये चाकू उसके शरीर में मार दिया। बाबूजी मार करके इतना तेज धक्का दिया कि वो जा करके एक पेड़ से टकरा गई। और जब पेड़ से टकराई है बाबूजी दोबारा मारना चाहता है, तब तलक आहट मिलल की कोई आवत है। जब आहट पौलस बाबूजी तो वो दोनों दुराचारी फरार हो गई ना। आ इधर देखें बाबूजी, जब दोनों दुराचारी फरार भइल ना तो कवि जी के टेरी में भाव लिखे कृपल मास्टर। चुनरिया फागुन वाले रोपड़ी हर बैरी बदल रगड़वा टूटल प्रेम डाली हो डाली हो डा बैरी बनल रंगनवा टूटल प्रेम के डाली चुनरिया फागुन वाली रोपड़ी। रिश्ता तो जग में कायम है, रिश्ता तो जग में पावन है, कायम रखना खिलवाड़ नहीं। जीवन ना किसी को दे सकते तो लेने का अधिकार नहीं। कोई और सजाया गुलशन है, कोई और सजाया गुलशन है तो किसी ने डाली तोड़ दिया। कस्तीती कड़ी किनारे पर मझधार के बीचे बोड़ दिया। मालिक की मर्जी हुई अभागन, मालिक की मर्जी हुई अभागन नई जिंदगी पाई है। शीतलहरी सी हवा मिली तो सुबह होश में आई है। खो गई चेतना यबला की पागलपन ठोकर खाती है। न मौत मिला न मिला प्यार, मैयत का ख्वाब सजाती है। आ है बाबूजी इधर देखें, जौना समय मार के दोनों फरार हो गई ना। धीरे धीरे रात बीते लगल, जब भोरहरी भयल हवा चले लगल, ठंडा बयार शीतल बयार चले लगल बाबू, ओ सुधा के होश आ गल। आ जब सुधा के होश आल भोरहरी में बाबूजी, लेकिन सुधा को होश तो आया जरूर, लेकिन वो अपना चेतना खो बैठी थी। आखिरकार वो सुधा पागल हो गई। पागल हो के बाबूजी गांव-गांव गली गली भटकत है सुधा, गांव-गांव गली गली भटकत है बाबू। आ इधर देखे जवन आहट मिलल तो आवत के रहल विदेशिया में। कवि जी भाव लिखल करुणा रुदाना सुन के हरे भोला चरावा ऐला, अरे गोदी में उठाई लिया सुगरा सुगना, हमारे बुढ़ाई आकर नारल सहरावा हो, धरब का बेटा मानी करेला पालनावा। आ है बाबूजी इधर देखे एक चरवाहा अपनी गैया को खरका पर जंगल में बांध करके वो वापस लौटा है। आहट मिला कि एक लड़का रो रहा है बाबूजी। उस लड़के की आवाज सुनकर के वो चरवाहा दौड़ा, वो चरवाहा भोला यादव दौड़ा और उस लड़के को उठा लिया। मालिक का मर्जी कि वो भोला चरवाहा के एक को भगवान औलाद ना दे ले रहा। आ है बाबू जमुना समय वो लड़का के पौलस इतना खुश है बाबू, वो मुन्ना के उठा के अब भोला यादव अपने घरे लेके चल गए ना। आ वही भोला यादव अपने लड़का के धर्म का बेटा समझ के बाबूजी पालन पोषण करे लगना। आ इधर जब महेश और सुशीला घरे पहुंचना है ये पंचो, तब भई लका महेश और सुशीला जब की हरे आई गई ना घर आओ, भैया के तारे भेजला होत के बिहाना, पाई के खबर अला घरवा पीरनावा हो, हरे चरवरी खोजे नहीं मिलाली जानावा। आखिरकार बाबूजी महेश सुधा वापस जब घर पर गए,
सुबह भइल अपने भैया के चिट्ठी लिखत हवन, तार लिखत हवन कि भैया हो भौजी का पता ना चलत हूँ, पता ना कहाँ चल गईनी, आप छुट्टी लेके घरे चलता तक भौजी के खोजल जात। आ है बाबूजी वो नौजवान देशभक्त सच्चा सिपाही, वापस घर आया बहुत खोजा, चारों ओर फटफटा रहा है खोज रहा है, लेकिन सुधा कहीं ना मिलनी। आ इधर देखें बाबूजी धीरे धीरे कुछ दिन बीते लगल, दिन गुजरे लगल। आ एक दिन जौन महेश रला, महेश का दुलही कली सैया हो, हई खेती किसानी कैला से हम लोगन का काम ना चली, चल चल गई था बाहर फेंक गया गोबर। अरे यार महेश का दुलही कहता कि बाहर चल जाता कुछ काम धंधा कहता, आ घर गृहस्थी हम लोगन का आगे बढ़त, आगे बढ़त हम लोग भी धनवान बनल जात। इधर महेश का दुलही कहे लगनी सैया चल जाता कुछ कमैता धमैता घर गृहस्थी आगे बढ़त। आ महेश चल देना बाबूजी अपने औरत का बात सुनकर के ट्रक चलावे का काम करे लगना। आ जब ट्रक चलावे का काम लगना है करे बाबूजी, इधर देखा वो देशभक्त सिपाही सरहद पर है, तब तलक पाकिस्तान गद्दार हमारे सरहद पे बमबारी करने लगा। इतना बतिया जब इतना ऐलान सुनला है बाबूजी, इतना जब ऐलान सुनला, ऐलान सुन के आखिरकार उद्देश्य भक्त फौजी सच्चा सिपाही किया क्या, एक लाइन यहाँ गीत बदल गल मास्टर। नवरात्र के महीना में एक गीत के पछरा में माता बहिन लोग बड़ा सजा के गावेली हो, अब बड़ा निक लगेला। नीबिया के दरिया बैया सरहद पे बमबारी करने लगा, ऐलान सुन के माधव कैना का दुश्मन कया लदावा सुन के दरजा दवा जवा दावा हो सदावा कैसे हो गई गोलिया चले का पेला हो गगनवा हो
आखिरकार बाबूजी वो देशभक्त सच्चा सिपाही जब इस ऐलान को सुना है पुनः अपनी टोली को लिया और चल दिया सरहद पर। और जब सरहद पे पहुंचला हम माधव बाबूजी, चारों तरफ तरतर तरतर गोली लगत चला था, चारों तरफ गोली का बौछार होता बाबूजी। आखिर आगे आगे फौज की टोली में हके निकल गए। आगे आगे माधव चला ला खौरत बात खुनावा रे सनावा कहीं से हो गई तब तक गोली लागल तनावा रे सनावा कहीं से गई है तब तक बाबूजी ओ माधव अपनी पूरी फौज की टोली लेकर के सरहद पे पहुंचा, चारों तरफ तरतर तरतर गोली चलत है बाबू। वही बीच अचानक एक ठे गोलिया आ करके ही माधव के तनवा में लग गया बाबू। माधव तड़ाक दे धरती पर गिर गई ना, कुछ फौज के लोग उठावला आ उठा के माधव के ले गए ना सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिला। और जब सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिला है ये बाबू, डॉक्टरों ने जांच करना शुरू किया। और जब जांच करना शुरू किया ये जाहिर कर दिया गया कि माधव का एक गुर्दा खराब हो चुका है। आ है बाबूजी सुबह हुआ पेपर में खबर गजट करा दिया गया कि जो फला डॉक्टरी में अस्पताल में एक गुर्दा देगा उसको गुर्दे के बदले में उसको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। आ है बाबूजी लेकिन उस पेपर में मरीज का नाम नहीं बताया गया था। आखिरकार वो जवन महेश ट्रक चलावत रहल, एक दिन सुबह का टाइम है बैठ के दुकान पे चाय पान करा था तब तलक खबर दिखा गया 1,00,000 रुपया में एक गुर्दा, यानी कि एक गुर्दा का कीमत 1,00,000 रुपया मिल जाए। आए है बाबू यह बतिया ओकरे दिमकवा में नाचे लगल। आखिरकार वो कैल सका हरे पड़ा है पेपर महेश जवन छनावा सोचे मनावा में तया सब पाताल में बिहने मिली खजनावा सोचे मनावा में बाबूजी। जब इतना खबरिया पढ़ला सो दिमाग में नाचे लगल कि अब हमके तो अगर कोई का गुर्दा लहा के अगर हम वो डॉक्टरी में दे देब तो हमके 1,00,000 रुपया मिल जाए। अब 1,00,000 रुपया दिमाग में नाचे लगल, ट्रक पे चढ़ल गाड़ी स्टार्ट कैलस कुछ अगवा पहुंचल तब तलक भई लका हरे पढ़ा है गाड़ी लेके आगे पालक गया बेटा ही हो पैसे के लालच दे करके पास में लिया बोलाई हो जूटा डॉक्टर लेके सुगर सुगर वा सोचे मनवा में डॉक्टर साहब से तब करे बयानवा बीचे खुश है कि हमको 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। गड़िया लेके जब आगे बढ़ल बाबूजी तब तलक एक ठे लड़का वही रास्ता पकड़ के आवत रहल। और जब लड़का के देखलस तो सोचलस कि अब तो हमार सोरहो आना काम बन गेल। ओ लड़का के पैसा का लालच दे के लोभ दे करके बाबूजी मिठाई का लालच दे के वो लड़का के अपने पास बुला के ट्रक में बैठा लेलस। वो वापस डॉक्टरी पहुंचल। और जब डॉक्टरी पहुंचल है बाबूजी 1,00,000 रुपये में उस लड़के के गुर्दे की कीमत, उस लड़के की गुर्दे की कीमत 1,00,000 रुपये लगा करके बाबूजी ओ महेश
बात कर रहा है कि ये डॉक्टर साहब मैं 1 लाख रुपया आप हमको दे दीजिए और मैं आपको 1 गुर्दा दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोले कि महेश तुम इस लड़के को यहाँ दे दो, रात में इस लड़के के शरीर से गुर्दा निकाल करके उस फौजी के शरीर में लगा दिया जाएगा, जब वो फौजी को होश आ जाएगा सुबह आना 8 बजे तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाएगा। आय हाय बाबूजी, आल्हा में कवि जी के लिखे पड़ल। हरे जकरे बगिया में नाही खिलल बासु मनवा कबहु, जकरे बगिया में नाही खिलल बासु मनवा कबहु, जकरे बगिया में नाही खिलल बासु मनवा कबहु, दूसरे के बगिया कैसे देखी भूल जा, मेहनत के कमाई से ना जूटी है खजना बाबू, आखिरकार बाबूजी देखें 1 लाख रुपए में उस लड़के के बात कर करके आ वापस खुशी में झूमता हुआ ट्रक लेकर के आ रहा है कि सुबह तो मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगवा बढ़ल ट्रक लेकर के बाबूजी तब तलक भई लका, ए बाबू बतावल जाले कि अगर जेकरे लड़का ना हुन, जेकरे भगवान औलाद ना देले हुन, वो औलाद का कीमत का जानी हो, औलाद का गम बड़े बड़े फौलाद को पत्थर कर दिया करता है बाबू, पानी बना दिया करता है, औलाद का गम फौलाद को पानी बना दिया करता है बाबूजी। आखिरकार अगवा जब ट्रक लेके बढ़ल तब तलक अचानक भइल हका, वापस लेके गाड़ी जब की चलल नीर दैया बाबू, गाड़ी लेकर के बाबूजी जात तब तलक अचानक एक थे औरत अगवा से आवत रहल, महेश के ट्रक से वो औरत के धक्का लगल, और जब धक्का लगल बाबू कुछ धर्मी लोग इकट्ठा भइल आ वो औरत के ले गए ना वही अस्पताल में एडमिट करा देना, जौना अस्पताल में महेश लड़के को 1 लाख रुपए में बेच के चला आया है बाबूजी। आखिरकार देखा वो उस औरत को वहां उसी डॉक्टरी में भर्ती करा दिया गया। आ इधर भइल हका, अरे ये हर भोला खोजे अपने धर्म का सुगाना, तू ना हूं परानी रवे पीटी पिकप्पा, भोला भी आई गई पके समाचार।
बाबूजी इधर देखे जब औरत के धक्का लगल तो वही अस्पताल में ले गई ना, लोग भर्ती करा देना। आ इधर भोला चरवाह, वो भोला चरवाह जो लड़के को पाया था बाबूजी, उसको औलाद नहीं थे, जो लड़का पाल पोस करके बड़ा किया था वो भोला चरवाह का लड़का घरवा ना पहुंचल है पंचो। आखिरकार भोला यादव रोवत हंगन, दोनों परानी रोवत हंगन कि आखिर हमार लड़का कहाँ चल गया, अभी तक लौट के वापस ना आयल। इधर देखें बाबूजी भोला यादव के भी ये समाचार मिलल रहल कि जे एक गुर्दा देही वो कि 1,00,000 रुपया मिली। आए है बाबूजी भोला यादव सोचे लगला कि ऐसा तो ना है कि कोनो हमारे लड़कवा के पकड़ के आ ले गए अस्पतालिया में बेच देना। इधर देखें बाबूजी भोला यादव अपने लड़का के खोजत खोजत चल देना है। आ इधर महेश जवन उके रात भर का करे कि नींद लगे, अब तो ओकरे दिमाग में 1,00,000 रुपया नाचत कि कब सुबह होके कब डॉक्टरी पहुंची आ कब 1,00,000 रुपया ले। सुबह हुआ 8 बजा वो पहुंच गया डॉक्टरी में, और डॉक्टर साहब के सामने जब पहुंचा डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरा 1,00,000 रुपया दे दीजिए। ओ डॉक्टर बोला कि ए महेश जिस लड़के को तूने दिया था रात को उस लड़के का गुर्दा निकाल करके उस फौजी के शरीर में लगा दिया गया है, लगभग उस फौजी को होश आ गया होगा, चलो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दिलवाता हूँ। आए है बाबूजी इधर देखें, इधर जौना वार्ड में उब माधव भर्ती हंगन, वही वार्ड में उ लड़का भी भर्ती है, गुर्दा निकाल के वो लड़का को ही भर्ती कल गल है। आ उ जौन औरत रहल उ औरत भी वही बेड पर, यानी कि वही तीसरा बेड पे उ औरत के भी इलाज होता बाबूजी। धीरे धीरे दवा शुरू भयल, आखिरकार वो औरत को होश आ गया। और जब होश में भइल है बाबूजी, जब होश भयल तो वापस होकर बाबूजी बतावल जाले हो कि मालिक के बारे मालिक तेरी भी लीला गजब है बाबू। उसे जो औरत थी वो कौन थी बाबू, वो दूसरा कोई औरत रही थी, वो वही औरत थी सुधा, जो पागल भर के गांव गांव गली गली दरब दर भटक रही है वो वही औरत थी बाबूजी। आज उसका जब इलाज शुरू हुआ तो उस औरत को होश आ गया और उसका याददाश्त वापस आ गया। अब जब याददाश्त वापस आल है बाबूजी, इधर देखे माधव के भी होश आ गया। माधव देखला काला अरे अरे सुधा अरे पगली तू यहाँ कैसे रे, तू यहाँ कैसे आई, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रे सुधा, मैं तो एकदम पागल सा हो गया था, तू नहीं मिली रे, आखिर तेरा ये हालात कैसे हुआ रे पगली, ये तेरा हालात ऐसा कौन कर दिया। सुधा रोवत अखिया से जर्जर जर्जर आंसू गिरत सैया, हमार ये हालत दूसर कोई ना, ये हमार हालत तुहार छोट भाई कैले हुमन। आए है बाबूजी अरे पगली पाले है तो बता कि आखिरकार वो हमारा छोटा मुन्ना किधर है रे, जरा मुन्ने को दिखा दे रे सुधा, मुन्ने को तो हमको दिखा दे। आए है बाबूजी अथवा जोड़ के सुधा कलश के स्वामी हो, हम मुन्ना के ना जानी ले, मुन्ना पता ना कहाँ चल गल, मुन्ना के पता ना लगत सिया, लगत कि तुम्हार भैया वो लड़कवा के मार देना। आ इधर देखे बाबूजी महेश को डॉक्टर ले करके उसी वार्ड में जा रहे हैं। आ तब तलक भोला चरवाहा अपने लड़का के खोजत खोजत वही अस्पताल में पहुंचना, जब ऑफिस में गईना तो देखत हूँ कि डॉक्टर साहब ना हुन, डॉक्टर साहब के लोग बताओना कि वार्ड में गए हैं। वो भोला चरवाह उसी वार्ड में पहुंचा जिस वार्ड में वो लड़का का गुर्दा निकाल करके बाबूजी बेहोशी हालत में सुताया गया है। अपना लड़का के भोला यादव देख ल पहचान गई ना, पहचान गई ना, कहला कि अरे भगवान बारे मालिक ये का कैला, आखिर हमरे लड़का के यहाँ कैसे आगल हमार लड़का। आए है बाबूजी अपने लड़कवा के गोदिया में उठा के और रोवत हुआ भोला यादव के अखिया से झरझर झर आंसू गिरत, भोला यादव रोवत हुआ और रो रो के यह बतिया कहला कि बारे भगवान आप हमके औलाद ना दे ले रला, कैसे ही कोनो प्रकार से लड़का के जंगल में पवली पालन पोषण कैली तो आज एक भी छीन लेला भगवान, ई का कह देला भगवान। आए है बाबूजी वो चरवाहा रो रहा है,
तब तलक जब इतनी बात को सुधा सुनी, आय बाबूजी इतना बतिया जब सुधा सुनलस हो अपने लड़का के देखलस, पहचान गई उ कौन मतारी हो जौन अपने लड़का के नौ माह गर्भ में पाल के आ सेवा जतन क के चले के लाग बनौल सु कौन मतारी हो जौन अपने लड़का के ना पहचान पाई, अपने लड़का के ना पहचान पाई। आखिरकार ओ सुधा अपने लड़का के पहचान गई आ पहचान के बाबूजी गोदिया में उठा के रोत। तब तलक इधर सामने माधव देख रहे हैं कि महेश अरे गद्दार तू यहाँ कैसे आया रे कमीना, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अत्याचार किया, तूने ऐसा अत्याचार किया है कि मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। डॉक्टर साहब से वो माधव कहता है, वो फौजी नौजवान कहता है कि डॉक्टर साहब तत्काल इस हमारे दरिंदे भाई का गुर्दा निकाल करके हमारे लड़के के शरीर में लगा दिया जाए। आए है बाबू जी तब तलक देखें, जब डॉक्टर साहब देखना कि अब विवाद ही बहुत ज्यादा हो जाई, वो फोन कर देना दरोगा साहब के पास आ दरोगा साहब वापस आई ना। और जब दरोगा साहब वापस दरोगा साहब जेल में थाना दरोगा साहब के डॉक्टर साहब विवाद देख के जब फोन कहना दरोगा साहब वो अस्पताल में आई ना, आ अस्पताल में जब आई ना वो महेश के गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तार करके ले गई ना जेल में बंद कर देना बाबू। आज जब जेल में बंद कर देना तो वो दुराचारी आज अपने करनी पे परेशान है, रो रहा है दरोगा साहब हमरे भैया के हमरे भाभी के बुला दा, हमरे भैया के हमरे भाभी के बुला दा, एक बार हम गलती के माफी मांग ली, हो सकेला कि हमके माफ कर दे। आए है बाबू जी तत्काल उस माधव को फौजी जवान को और सुधा को वापस बुला गया। और जब थाने दोनों जना पहुंचला हो माधव कहा कि ए दरोगा साहब दरिंदों को तुरंत निकालिए, मैं इसका गुर्दा निकलवा करके अपने बेटे के शरीर में लगवाऊंगा। आए हाय बाबूजी तब तलक सुधा अपने सैया जी के कलैया पकड़ लेलस, कलैया पकड़ के एक बात कहलस खड़ी में लिखल गल सुधा बोली कि सैया तुहार भैया जौन गलती कर देना, गलती कर देना उनकी गलती के माफ कर दा। सुधा बताओ था का हर महालया तारी मिलिया गोदी के सुगनावा मिली नहीं दुनिया में पीठी कभी रानावा। सुधा जो माधव सिंह की औरत थी अपने सैया का कलाई पकड़ के कला सैया हो अपने छोट भाई की गलती के माफ कर दा, महल मिल जाई, अटारी मिल जाई, सोना चांदी रुपया पैसा मिल जाई, लेकिन लड़का भी गोदी में ना लड़का भी मिल जाई सैया, लेकिन तोहरे पीठी के भाई ये दुनिया में कितनो खोजबा लेकिन तोहरे पीठी के भाई ना मिली। आए है बाबू जी इतना बतिया जब सुनली सुनला है माधव, इतना बतिया जब माधव सुनला है कहना कि ऐ सुधा मैं इस गलती को माफ कर दे रहा हूं। आखिरकार भैल का
माधव था देशभक्त सच्चा सिपाही था बाबूजी, ओ अपने छोटा भाई को माफ कर दिया। अब माफ कहना बाबूजी, जैसे का जेलिया से छोटका भैया निकलत हुए बाबू, तब तलक इधर जो माधव का लड़का था, सुधा का लड़का था, वो अपना प्राण पखेरु छोड़ करके उड़ गया बाबूजी, इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया। बतौलस कालस की अपने ललना के कफनवा ओढ़ाई दस सजना, कैसे बीती है मोर फगुनवा बताई दस सजना। लिखल गया हाय रे पूरे कमावा का होला पूरा परिणाम हो, चारो युगावा से साथी बाटे तमाम हो। सबके समझ आई दस सजना, तो कैसे बीती है बर फगुनावा बताई दस सजना।